इस प्रेजेंटेशन का टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम पार्ट 7, रेगुलेशन ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट या GFR। इस टॉपिक में हम दो बातें डिस्कस करेंगे, जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस और रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस डायग्राम की हेल्प से हम जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को स्टडी करेंगे। जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस को बताने से पहले हम अपने स्टूडेंट्स को रिवाइज करा दें कि जो नेफ्रॉन की जो एनाटमी होती है वह कैसी होती है। तो जो एफरेंट आर्टेरियोल होता है, एफरेंट आर्टेरियोल DCT के एक हिस्से से कम्युनिकेट करता है। यहाँ पे देखिए, एफरेंट आर्टेरियोल इज़ इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद अ पोर्शन ऑफ DCT। तो जो DCT का वह हिस्सा जो एफरेंट आर्टेरियोल के कॉन्टैक्ट में होता है, तो उसकी सेल्स मॉडिफाई हो जाती हैं और मैक्यूला डेंसा सेल्स बनाती हैं। उन मॉडिफाइड सेल्स को हम मैक्यूला डेंसा कहते हैं। और एफरेंट आर्टेरियोल का वह हिस्सा जो DCT के कॉन्टैक्ट में होता है, तो उसकी सेल्स भी कुछ मॉडिफाई हो जाती हैं और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स बनाती हैं। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स और मैक्यूला डेंसा, इन दोनों को मिलाकर हम कहते हैं जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। तो जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस के दो कंपोनेंट हो गए, DCT का मैक्यूला डेंसा और एफरेंट आर्टेरियोल के जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स। अब इनके फंक्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो जो मैक्यूला डेंसा होता है, यह DCT में पाए जाने वाले जो DCT के थ्रू जो अल्ट्रा फिल्ट्रेट जो फ्लो कर रहा है, तो उसमें पाए जाने वाले सोडियम क्लोराइड या मिनरल्स के कॉन्सनट्रेशन को सेंस करता है। और फ्लो जो GFR जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का जो फ्लो का जो रेट है, उसे भी सेंस करता है। तो मैक्यूला डेंसा सॉल्यूट कॉन्सनट्रेशन को सेंस करता है, विच इज़ फ्लोइंग, जो फिल्ट्रेट जो फ्लो कर रहा है DCT के थ्रू, उसमें पाए जाने वाले सॉल्यूट कॉन्सनट्रेशन को सेंस करता है। और जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, ये एफरेंट आर्टेरियोल में पाए जाने वाले ब्लड प्रेशर को सेंस करती हैं। तो देखेंगे आगे कि ये किस तरह से फंक्शन करता है। अभी थोड़ा सा बता देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, किसी वजह से जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, तो ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स उस ब्लड प्रेशर को, लो ब्लड प्रेशर को सेंस करते हैं, और तब ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस एक्टिवेट होता है। तो जब ये ग्लोमेरुलर अपरेटस एक्टिवेट होता है, जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स फिर एक एंजाइम सिक्रीट करती हैं, जिसे हम कहते हैं रेनिन, RENIN, रेनिन। यहाँ अपने स्टूडेंट्स को एक और बात बता देते हैं, हमारी बॉडी में दो तरह के रेनिन पाए जाते हैं, RENIN रेनिन। यह एंजाइम स्टमक में पाया जाता है, जो मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। और सिंगल एन वाला रेनिन, RENIN रेनिन, यह एंजाइम किडनी में पाया जाता है और जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स द्वारा सिक्रीट होता है। इसके फंक्शन को आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने डिस्कस किया है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस, और आगे हम देखेंगे कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट के रेट को कैसे रेगुलेट करता है ये जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपरेटस। इस डायग्राम की हेल्प से हम रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को समझेंगे। तो ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स हैं, वह एक्टिवेट हो जाती हैं जब ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, और ब्लड प्रेशर के कम होते ही ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि जो ग्लोमेरुलस में जो ब्लड प्रेशर है, ये एक मेजर फैक्टर होता है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के लिए या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के लिए। तो जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा, तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी कम हो जाएगा। तो इस कंडीशन में जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स एक एंजाइम सिक्रीट करेंगी, रेनिन। अब ये जो रेनिन है, ये ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन प्रोटीन पर एक्ट करेंगी। यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स को बता दें कि एंजियोटेंसिनोजन लिवर के द्वारा बनाया जाता है और लिवर के द्वारा सिक्रीट किया जाता है ब्लड में। तो एंजियोटेंसिनोजन हमेशा प्रेजेंट होता है ब्लड में, तो रेनिन के प्रेजेंस में ये एंजियोटेंसिनोजन कन्वर्ट हो जाएगा एंजियोटेंसिन फर्स्ट में। लेकिन यह प्रोटीन अभी इनएक्टिव है,
और ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू ये लंग्स में जाएगा। लंग्स में एक एंजाइम होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट पे एक्ट करेगा और इसे कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। तो एंजियोटेंसिन सेकंड, अब ये एक एक्टिव प्रोटीन है और ये कई तरह से बॉडी में एक्ट करेगा। तो इसके आप फंक्शन समझते हैं, तो सबसे पहले तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड से, इसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वहाँ से एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करवाएगा। ADH या वैसोप्रेसिन भी कहते हैं इस हार्मोन को। और ये हार्मोन स्पेशली कलेक्टिंग डक्ट और DCT डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल पर एक्ट करता है और वहाँ पर ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो ये हो गया इसका पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन है आर्टेरियोल वैसो कंस्ट्रिक्शन, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ईफरेंट आर्टेरियोल का वैसो कंस्ट्रिक्शन कॉज करता है, ईफरेंट आर्टेरियोल का वैसो कंस्ट्रिक्शन। ईफरेंट आर्टेरियोल जो ग्लोमेरुलस से ब्लड को कलेक्ट करता है, तो ग्लोमेरुलस में से आने वाले ब्लड का जब जो रेट है, जब वो फ्लो कम हो जाएगा तो ग्लोमेरुलस में अब ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि ईफरेंट आर्टेरियोल कंस्ट्रिक्ट हो चुका है तो वो अब कम ब्लड को कलेक्ट कर पा रहा है ग्लोमेरुलस से, जिसकी वजह से इमीडिएटली ग्लोमेरुलस में ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और GFR नॉर्मल की तरफ आना शुरू हो जाएगा। तो सेकेंड एक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये आर्टेरियोल वैसो कंस्ट्रिक्शन करवाता है। तीसरा इसका फंक्शन है कि ये एड्रिनल कॉर्टेक्स पे एक्ट करेगा और एल्डोस्टेरोन का सिक्रीशन करवाएगा। एल्डोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन, जो मिनरल्स होते हैं खासतौर से सोडियम और क्लोराइड, इनके रीअब्सॉर्प्शन को एनहेंस करता है। और हम जानते हैं कि मिनरल का रीअब्सॉर्प्शन अगर बढ़ जाएगा तो वाटर रीअब्सॉर्प्शन भी अपने आप बढ़ जाएगा। तो इन सभी कारणों से अब जो चेंजेस आए हैं बॉडी में, अल्टीमेटली ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा और ब्लड वॉल्यूम के इंक्रीज़ होने से ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा, और ब्लड प्रेशर के नॉर्मल होते ही GFR भी नॉर्मल हो जाएगा। तो इस तरह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम काम करता है। हम अपने स्टूडेंट्स को याद दिला दें कि ये जो प्रेजेंटेशन हम बनाते हैं ये खास तौर से 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए बनाते हैं, तो यहाँ पर ये हमने बहुत ही सिंप्लीफाइड फ्लो चार्ट यहाँ प्रेजेंट किया है खास तौर से 11th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए। ये बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है और सफिशिएंट है 11th ग्रेड के एक बच्चे के लिए, एक स्टूडेंट के लिए बिल्कुल सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है। जो अभी डिस्कस किया था वो हमने पूरा डिटेल में रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम को हमने डिटेल में डिस्कस किया था। 11th का स्टूडेंट अगर इतना भी फ्लो चार्ट अगर बना के आता है अपने एग्ज़ाम में तो ये काफ़ी होगा और बहुत स्कोरिंग होगा। तो फटाफट एक क्विक रिवीजन करते हैं कि ये फ्लो चार्ट किस तरह से समझा जाए। तो हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं कि जब भी ब्लड प्रेशर कम होगा तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट है वह भी कम हो जाएगा, और जिसके वजह से जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स रेनिन नाम का एक एंजाइम सिक्रीट करेंगी, और यह एंजाइम ब्लड में पाए जाने वाले एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर देंगी एंजियोटेंसिन में, और ये जो एंजियोटेंसिन का अब जो कॉन्सेंट्रेशन ब्लड में बढ़ जाएगा तो इसके अब तीन इफेक्ट होंगे। नंबर वन, कंस्ट्रिक्शन ऑफ द ईफरेंट आर्टेरियोल, जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा और जिसकी वजह से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट भी बढ़ जाएगा। दूसरा जो एक्शन होगा एंजियोटेंसिन का वह होगा कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट होगा, जो कि किडनी में रीअब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड को एनहेंस करेगा, बढ़ाएगा, जिसकी वजह से वाटर का रीअब्सॉर्प्शन भी बढ़ जाएगा। तीसरा जो एक्शन होगा एंजियोटेंसिन का वह होगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से एंटी डायूरेटिक हार्मोन को सिक्रीट करवाना। तो ये जो हार्मोन है ADH, ये DCT और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पर एक्ट करता है, उनकी सेल्स पे एक्ट करता है और वाटर रिटेंशन को, वाटर रीअब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है। तो इन दोनों एक्शंस की वजह से ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल फ्लो चार्ट है रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम का।